नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जसवंत यादव। JKARC इंडिया के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कंपनी पिछले 20 सालों से वेल्डिंग मशीन बनाती है और मैं हर बार आपको एक नए प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए आपके सामने आता हूं। इस बार भी मैं एक नया प्रोडक्ट और उसकी नई जानकारी देने के लिए आपके सामने आया हूं। आइए हम देखते हैं कि इस नए प्रोडक्ट में क्या ऐसी खासियत है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये है 290 एम्पियर की वेल्डिंग मशीन ब्रीफकेस टाइप, जो बहुत ही कॉम्पैक्ट, छोटा और लाइट वेट वेल्डिंग मशीन है, लेकिन बहुत ही पावरफुल वेल्डिंग मशीन है। और भी इसके अंदर बहुत सारे खासियत हैं, आपको मैं एक एक करके बताते रहूंगा। वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगा। दोस्तों, तो दोस्तों, ये है वेल्डिंग मशीन 290 एम्पियर और इसके एसेसरीज हैं, ये देखिए। इसके साथ एक 1.5 मीटर का वेल्डिंग अर्थिंग क्लैंप है और एक 2 मीटर का होल्डर है। साथ में एक वेल्डिंग करने के लिए गोगल मिलता है, जिसे आप वेल्डिंग के समय इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए। और वेल्डिंग मशीन ये रहा, कॉम्पैक्ट वेल्डिंग मशीन, लगभग 4 किलो वजन है इसका। इसके साथ एक चिपिंग ब्रश है। ये देखिए दोस्तों, एक बिल्कुल हल्का, कॉम्पैक्ट, आप चाहेंगे तो किसी भी बैग में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं, और बिल्कुल कॉम्पैक्ट, मजबूत वेल्डिंग मशीन। पावर सप्लाई इसका है, ये देखिए दोस्तों। इसके आगे हम इसके और भी खासियत के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है और ये वेल्डिंग मशीन सबसे ज़्यादा क्यों बिकता है। और आपके सामने इसको चला करके भी हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम इसे कनेक्ट करके दिखाते हैं और वेल्डिंग करके भी दिखाते हैं आपको कि कैसे ये काम करता है और क्या क्या खासियत है इसके अंदर। ये देखिए, इसमें पावर है, इसमें हम कनेक्ट करते हैं इसको, और इसके आगे हम वेल्डिंग होल्डर को लगाते हैं। आर्क वेल्डिंग मशीन में आप प्लस माइनस कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्क वेल्डिंग मशीन में आप अर्थिंग की जगह पे होल्डर भी लगा सकते हैं, होल्डर की जगह पे अर्थिंग भी लगा सकते हैं। इसे पुश करके राइट टर्न करना रहता है, लॉक हो जाता है ऑटोमेटिक। और इसके ऊपर है दोस्तों एक पावर नॉब, जिसके ज़रिए आप पावर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके ठीक लेफ़्ट साइड में है डिस्प्ले, जो अभी स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, मैं पीछे से स्टार्ट कर दिया, ये देखिए इसमें डिस्प्ले आ रहा है। दोस्तों, इस वेल्डिंग मशीन की खासियत यह है कि ये वेल्डिंग मशीन जब तक आप वेल्डिंग नहीं करेंगे स्टार्ट नहीं होगा। ऑटोमेटिक सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है, जिसके वजह से यह वेल्डिंग मशीन जब तक पावर कंज्यूम नहीं करेगा, जब तक आप वेल्डिंग नहीं करेंगे। अभी देखिए, हम जैसे ही इसे वेल्डिंग करने का स्टार्ट करेंगे, टच करेंगे, वैसे फैन इसका स्टार्ट हो जाएगा और यह वेल्डिंग मशीन काम करने लगेगा। यह 10 नंबर रॉड है, जो 3.15 है, ये देखिए। इसको हम वेल्डिंग करते हैं। यहाँ हम वेल्डिंग ग्लास लेंगे और हम पावर सेट करते हैं, एक 200 एम्पियर। तो बहुत ही स्मूथ चलने वाली वेल्डिंग मशीन है ये, बिल्कुल नॉन स्टिक वेल्डिंग मशीन है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी इसमें खासियत है इस वेल्डिंग मशीन में,
ये वेल्डिंग मशीन का होल्डर कभी भी अर्थ में चिपकता नहीं है। यदि चिपक जाता भी है तो वेल्डिंग मशीन को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं आपके सामने ये करके दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए कि वेल्डिंग मशीन अपने आप कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी गर्म नहीं होगा, अपने आप डिसकनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मैंने चिपका दिया है, जबकि दूसरे वेल्डिंग मशीनों में ये गर्म हो के धुआं देने लगेगा और ये जल जाएगा और वेल्डिंग मशीन भी ब्लास्ट होने के जैसा हो जाता है, उसके अंदर कैपेसिटर चला जाता है। लेकिन इसको घंटों आप चिपका सकते हैं या कहीं भी छोड़ देंगे तो आप उससे कुछ भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ये सिर्फ वेल्डिंग मशीन, इसी वेल्डिंग मशीन में खासियत है ये, इसको हम लोग ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन इसीलिए कहते हैं। ये देखिए कुछ भी कर लीजिए कुछ नहीं होगा, नॉन स्टिक वेल्डिंग मशीन इसको हम लोग बोलते हैं। ये देखिए कुछ भी नहीं होगा, इसको आप कितना भी टाइम तक रख सकते हैं, 12 घंटा 16 घंटा या कंटिन्यू आप चिपका के चले भी जा सकते हैं या गलती से आपसे आपस में टच हो जा सकता है। दोस्तों बहुत सारे जगहों पे मैंने ऐसा देखा है कि होल्डर को रखने के लिए ये स्क्रीन का सहारा लेते हैं और ग्रिल के ऊपर बैठ करके वेल्डिंग मारते हैं और बहुत ही मतलब मुश्किल से इसको संभाल के रखते हैं और आपस में टर्मिनल अर्थिंग होल्डर चिपकने की वजह से वेल्डिंग मशीन अक्सर जल जाती हैं। इसलिए दोस्तों हमारी कंपनी ने इस वेल्डिंग मशीन को नॉन स्टिक बनाया है। जैसे ये चिपकता है उसके बाद ये वेल्डिंग मशीन ऑटोमेटिक अपने पावर सप्लाई को बंद कर लेता है और बिल्कुल सिर्फ फैन को चलने के लिए पावर सप्लाई देता है। जैसे आप इसे हटाते हैं वैसे ही वेल्डिंग मशीन वापस अपनी पूरी पावर को अंदर देता है। जैसे देखिए देखिए मैंने चिपका दिया, ये देखिए कोई टेम्परेचर नहीं कुछ नहीं। ये देखिए मैं आपको दूसरी वेल्डिंग मशीन नॉर्मल जो आती हैं उन्हें मैं आपको चालू करके दिखाऊंगा, वह इतने टाइम में ये गर्म हो करके आपके सामने दिखाऊंगा, धुआं देना शुरू हो जाएगा और जल जाएगा, लेकिन इस वेल्डिंग मशीन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। ये देखिए इसमें पावर बहुत है, आप इस वेल्डिंग मशीन से कटिंग वोटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए आप इस वेल्डिंग मशीन से एंगल कटिंग कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर दोस्तों इसमें 8 नंबर रॉड भी चला सकते हैं, मगर हम लोग 10 नंबर रॉड के लिए ही, वही देखिए 4mm रॉड है जो 400 एम्पियर में चलता है। इस वेल्डिंग मशीन में आप 10 नंबर रॉड चलाने के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें ताकत नहीं है कि 4mm रॉड आप कंटिन्यू चला सकें, मगर 10 नंबर रॉड आप कंटिन्यू 24 घंटे चला सकते हैं। दोस्तों इस वेल्डिंग मशीन को आप कहीं भी उठा के बहुत आसानी से ले जा सकते हैं, किसी भी बैग में डाल के ले जा सकते हैं, अपने कार के डिक्की में रख के ले जा सकते हैं, स्कूटर पर इसे ले जा सकते हैं। यह बहुत ही हल्की वेल्डिंग मशीन है, ये देखिए लगभग यह 3.5 से 4 केजी के अंदर इसका वजन है और टोटल मेटल बॉडी है, कोई भी टूटने फूटने का इसका कोई डर नहीं है और इसके ऊपर एक हैंडल भी मजबूत दिया हुआ है इसमें आप उठाने के लिए, और टोटल कॉम्पैक्ट है। दोस्तों ये वेल्डिंग मशीन 1 साल की वारंटी के साथ हम लोग सेल करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को देते हैं। हम लोग पूरे इंडिया में इसे अपने डीलर के जरिए अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं। दोस्तों इस वेल्डिंग मशीन के अंदर आप 10 मीटर तक केबल लगा सकते हैं लंबा, और जो काम करने की कैपेसिटी है वो लगातार 8 घंटा तक कंटिन्यू आप काम कर सकते हैं, और जो जॉब होगा आपका वह स्टील के ऊपर भी वेल्डिंग कर सकते हैं आप, स्टील का रॉड लगा करके 1mm से ले करके आप 16mm तक बहुत आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं। और फैब्रिकेशन के काम में जैसे कि आप एंगल चैनल या सेट का काम या कोई भी काम हो आप उसमें इसका बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर होते हैं जो कि घर के अंदर अपने लिए खुद पर्सनली
इसे यूज करने के लिए लेते हैं, जैसे कि ग्रिल लगाना हो या कुछ टूटा फूटा वेल्डिंग करने के लिए हो, दोस्तों उनके लिए बहुत ही सूटेबल यह वेल्डिंग मशीन है। इसके साथ हम सारे एसेसरी चीज़ देते हैं ताकि उन्हें कहीं भी कुछ भी चीज़ें परचेस बाहर से करना ना पड़े। इसके साथ हम 2 मीटर वेल्डिंग केबल होल्डर के साथ देते हैं, 1 मीटर का अर्थिंग क्लैंप के साथ केबल देते हैं, और इसके साथ सप्लाई वायर भी रहता है, और 1 ब्लैक ग्लास हम लोग देते हैं, गोगल भी देते हैं, साथ में 1 चिपिंग ब्रश भी देते हैं। सारे कंप्लीट एसेसरीज इसके साथ हम लोग एक बॉक्स में डाल के देते हैं ताकि आपको कहीं भी बाहर से कुछ भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको वेल्डिंग रॉड बाहर से लेना है और अपने जॉब के ऊपर आप वेल्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसको इन फ्यूचर में आप रिपेयर कराने के लिए बहुत आसान है, यह वैसे तो ख़राब नहीं होता है, लेकिन बाई दफा कभी कुछ मिस्टेक हुआ तो हमारे नियर अबाउट जो भी ब्रांच होंगे या सर्विस सेंटर होंगे वहाँ से आप हमें कॉल करके दिए गए इन नंबरों पर फ़ोन करके आप मदद ले सकते हैं। हमारे इंजीनियर ऑनलाइन इस वेल्डिंग मशीन को रिपेयर करा देते हैं वहाँ के लोकल इंजीनियर के मदद से। दोस्तों इस वेल्डिंग मशीन को परचेस करने के लिए आप अपने नज़दीक के शहर में जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होगा, मशीनरी स्टोर होगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। जिन जगहों पर हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर यदि नहीं है तो हमारे दिए हुए इन नंबरों पर फ़ोन करके आप हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव से आप अपने नज़दीक के डीलर का नंबर ले सकते हैं, और यदि वहाँ पर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे तरफ से नहीं है तो आप डायरेक्ट भी परचेस कर सकते हैं, अपने घर पर इसे कोरियर के जरिए मंगा सकते हैं। दोस्तों इस वेल्डिंग मशीन के अलावा यदि आपको किसी और कैपेसिटी की वेल्डिंग मशीन चाहिए, जैसे कि 300 एम्पियर, 400 एम्पियर, 500 एम्पियर, 600 एम्पियर, या टिग वेल्डिंग मशीन चाहिए, मिग वेल्डिंग मशीन चाहिए, या कट प्लाज्मा चाहिए, हर प्रकार की वेल्डिंग मशीन हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास उपलब्ध रहता है। आप उनसे बहुत आसानी से परचेस कर सकते हैं, या उनके पास नहीं है तो ऑर्डर दे करके आप मंगवा सकते हैं। हमारे इस नंबरों पर फ़ोन करके आप उनकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हम अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।